नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स ड्रीम। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक स्टॉक के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक काफी लंबे समय से एक नैरो प्राइस रेंज के बीच में ही ट्रेडिंग होते हुए दिख रहा है, जिसके कारण आप में से बहुत सारे ऐसे बायर होंगे जिन्होंने ऊपर की बाइंग कर रखी होगी और इस समय अपने आप को फंसे हुए यानी कि ट्रैप महसूस कर रहे होंगे, या फिर आपकी बाइंग नीचे की है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बाइंग प्राइस जरूर बताएं। इस स्टॉक को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज है, साथ में इसके टेक्निकल प्राइस को एनालाइज करेंगे कि क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होना चाहिए। साथ में ही कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए दो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड स्टॉक को भी डिस्कस करने वाले हैं। साउथ इंडियन बैंक स्टॉक को लेकर के ब्रेकिंग न्यूज दो दिन पहले की यह है कि राधा उन्नी जी को इस बैंक का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले वो केरला रीजन के अंदर में जो है चीफ मैनेजर हुआ करती थी एसबीआई बैंक में, और लगभग 36 साल का बैंकिंग सेक्टर के अंदर इनका एक्सपीरियंस है। हालांकि इनके फॉर्मर डायरेक्टर बनाने के बाद भी बैंक में कुछ ऐसा तेजी नहीं दिखा है। बैंक का फंडामेंटली बहुत अच्छा नहीं है, जहां आरओई और आरओसी लगभग 5 के आसपास ही या फिर इसके नीचे है। साथ में कंपनी का डेट बढ़ते हुए दिख रहा है, डिविडेंड भी नहीं के बराबर है। हालांकि इस बैंक का जो एक्सपेंशन है, ब्रांचेज है, वो बहुत ज्यादा अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपेंड करते हुए दिख रहा है। साथ में ही गोल्ड के अंदर में बैंक अच्छा करती हुई दिख रही है। टेक्निकली ये स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज जो कि 9 रुपए से 11 रुपए के प्राइस ही कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है, इसलिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर इस समय फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो इग्नोर करें। हालांकि मार्केट के अंदर भी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में गिरावट देखी है और इस समय लगभग 36,500 के आसपास ये बैंक ट्रेड कर रही है, जिसके कारण साउथ इंडियन बैंक अपने निचले स्तर पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। हालांकि ओवरसोल्ड बैंक निफ्टी होते हुए दिख रहा है, तो इसमें काफी कम समय में ज्यादा तेजी की संभावनाएं बन रही है। जब बैंक निफ्टी में आपको 4-5% की तेजी दिखेगी तो ये स्टॉक भी साउथ इंडियन बैंक आपको 10-10.5 के आसपास दिखेगा। हालांकि इस समय टेक्निकली भी बहुत बड़ा अप ट्रेंड की संभावनाएं नहीं बन रही है, इसीलिए अगर आपने बाइंग कर रखा है और आपका इन्वेस्टमेंट 2 साल से ज्यादा का है तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही होल्ड करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप चाहते हैं कि 1-2 लाख क्वांटिटी लेकर के 2 रुपये के बढ़ोतरी पे 2 लाख रुपया बना ले, तो इस स्टॉक को आप इग्नोर कर सकते हैं। साथ में ही पहला स्टॉक आईएक्स है, जो कि बोनस के बाद हमने देखा कि बोनस अलॉट होने से पहले इस स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी दिखी और 305 के आसपास के प्राइस को टच किया, वहां से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड दिखा है और इस समय ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। जहां बैंक निफ्टी में आज गिरावट थी, निफ्टी कंसोलिडेट एक प्राइस के बीच ही हो रहा था, वहीं इस स्टॉक में 2% से ज्यादा की तेजी दिखी है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप आईएक्स में पोजिशन ले सकते हैं। साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए भी बहुत शानदार दिख रहा है। इसके साथ ही CDSL जो कि इस समय 52 वीक हाई पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है, 1720 के आसपास के ऊपर के प्राइस को उसने आज से 2 दिन पहले टच किया, वहां से लगातार गिरावट दिखी और 1615 के ऊपर के प्राइस पे कल के ट्रेडिंग सेशन में पोजीशन ले सकते हैं, जहां 2-3% के आसपास की तेजी दिख सकती है। अगर 1615 के नीचे ट्रेड हो तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। नमस्कार।